हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत करती हूँ। और ये जो है ना, मैं आपको अपने मनी प्लांट दिखा रही थी। मैंने इनको बोटल्स में लगा के ना कील से ऊपर की तरफ कर रखा था। मुझे किसी ने बताया था कि मनी प्लांट नीचे की तरफ नहीं होने चाहिए। और यहाँ आए थे पापा जी, मतलब कि सचिन के फादर, और वो जो थे ना 2-4 दिन रुके थे। बाकी तो वो जल्दी ही चले गए थे, पता नहीं कि उनको शायद कुछ काम था, तो बस वो गए थे। और उसके बाद आज जो नाश्ते में मैंने बनाया था वो था पनीर का पराठा, साथ में बनाई थी मेथी की सब्ज़ी। मेथी वो वाली मेथी नहीं, पत्ते वाली मेथी नहीं, मेथी दाने वाली सब्ज़ी। आप भी ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी लगती है। और मेरे चैनल पे ऑलरेडी मैंने डाली हुई है उसकी पूरी रेसिपी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं बना रही थी पनीर के स्टफ़ पराठे, मेथी की सब्ज़ी विद दही, और ये था आज सुबह का ब्रेकफास्ट। तो मैंने उन सबको तो करवा दिया था, और फिर मैंने सोचा कि खुद भी एक पराठा खा लेना चाहिए सुबह सुबह पूरे दिन के काम के लिए। और ये था मेरा आज सुबह का लंच, मतलब काफ़ी ज़्यादा हो गया था, लंच ही टाइम हो रहा था क्योंकि वो सब गए थे दोपहर के 12, 12:30, 1 बजे। मैंने सोचा लंच ब्रेकफास्ट दोनों साथ में कर लेते हैं। और ये मैंने शाम की आपके साथ वीडियो क्लिप शेयर की थी। यहाँ पे मैं बना रही थी ओट्स की इडली। ओट्स की इडली मतलब मैंने भी एक कहीं पर बनाई देखी हुई थी, तो मैंने कभी बनाई नहीं थी। मैंने कहा चलो आज इसको ट्राई करके देखते हैं कैसी बनती है, टेस्ट में कैसा होता है और बनाने में कितनी मुश्किलें आती हैं, तो वो सब मैंने देखा। तो मैंने सिंपल अरहर की दाल बनाई थी इसके लिए, और उसमें सिर्फ करी पत्ता और जो भी कुछ मसाले होते हैं इंडियन स्पाइसेस वही सब यूज़ करे थे। बाकी एक्स्ट्रा में मैंने सब्ज़ी वब्जी नहीं डाली थी। एक्चुअल में सांभर मुझे ना सब्जियों वाली जो दाल होती है वो अरहर की दाल में अगर मैं सब्जियाँ डाल के बना देती हूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे सांभर उतना टेस्टी नहीं लगता। लोग बोलते हैं कि उनको बहुत अच्छा लगता है, बट मुझे नहीं अच्छा लगता। मुझे सिर्फ सिंपल अरहर की दाल में सब्जियाँ डाल दो वो ज़्यादा बेटर लगता है। तो मैंने सिंपल अरहर की दाल बनाई थी, और इसी के साथ मैं बनाने वाली हूँ ओट्स की इडली। तो ट्राई तो मैं भी फर्स्ट टाइम ही कर रही हूँ, बट आपको बताऊँगी कि कैसा है। तो सबसे पहले मैंने ओट्स लिया था। यहाँ पे आपको 1 कप ओट्स मैंने लिए थे, जिनको कि मैंने पहले मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था, पेस्ट बना लिया था उनका। उनको दरदरा नहीं पीसना था, बारीक पीस लिया था। और उसमें आधा कप सूजी डाली थी मैंने। सूजी को अच्छे से छान के डालिएगा, कभी कभार सूजी में कुछ कीड़ा हो या कुछ भी हल्का सा तिल विल होता है वो बाहर आ जाता है। उसके साथ ही मैंने डाला उसमें आधा कप दही, मतलब 1 कप ओट्स में अपना आधा कप दही और आधा कप आपने सूजी डाल के पानी के साथ अच्छे से इसका पेस्ट बना लेना है। थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट करने के लिए रखा था मैंने, करीबन 10 से 15 मिनट का रेस्ट दिया था, जिससे कि सूजी तो थी ना वो अच्छे से इसमें फूल जाए। तो जब आप पहली बार कोई चीज़ बना रहे होते हो ना तो बहुत श्योर नहीं होते हो, बट हाँ ये अच्छा बन गया था। उसके बाद खाने वाला जो सोडा होता है, मीठा सोडा, मैंने वो डाला था थोड़ा सा। उसको एक ही डायरेक्शन में डालिएगा, बबल्स नहीं आने चाहिए, नहीं तो वो कहते हैं ना एयर भर जाती है, तो वो ज़्यादा अच्छे से हो नहीं पाता है। और बस इसके बाद इसको इडली के खांचों में डाल दिया था, और यहाँ पे बन के मतलब थोड़ी देर में इसको स्टीम कर लिया था। तो वही है कि पहली बार कोई चीज़ बनाओ और अच्छा लगे और ना लगे कुछ पता नहीं होता है, बट हाँ इसका टेस्ट जो था ना वो बहुत अच्छा था, खाने में भी बहुत टेस्टी थी और ये लाइट भी थी, तो मुझे तो अच्छी लगी। ट्राई ज़रूर कीजिए। और अगर मेरे चैनल में कुछ भी पसंद आ रहा हो, वीडियो पसंद आ रही, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।